सब्सक्राइब कीजिए पूजा जी टी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्टी वेयर सूट का नेक डिजाइन बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू माय सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स। ये देखिए, ये मेरा जॉर्जेट का कपड़ा है। इस कपड़े पर मैं ये नेक डिजाइन बनाऊंगी। नीचे ये मैंने लाइनिंग लगा रखी है, इसको मैंने ऊपर से और साइड से हैंड स्टिच कर रखा है, इस पर कच्चा कर रखा है और ये बीच सेंटर से भी मैंने इसको कच्चा कर लिया, क्योंकि यहाँ हम नेक डिजाइन बनाएंगे इसलिए इसको हमने बीच सेंटर से भी कच्चा कर लिया। अगर आप भी जॉर्जेट के कपड़े पर या सिल्क के कपड़े पर ये नेक डिजाइन बना रहे हो तो आप इसे बीच सेंटर से भी कच्चा कर लीजिए। इससे हमारी अच्छी फिनिशिंग आएगी, इसमें कहीं झोल वगैरह नहीं आएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये पेपर लिया पेस्टिंग वाला। इसकी चौड़ाई है 10 इंच और लंबाई है 18 इंच। इसको हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने इसको बीचों बीच फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर अपनी नेक का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम अपनी नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये मैं चौड़ाई लूँगी 2.5 इंच और नेक की लंबाई लूँगी 7 इंच। इधर से भी 2.5 इंच और इसको ऊपर की साइड सीधा मिला लेंगे। यहाँ से गोलाई की शेप देंगे। अब हम इधर से 1 इंच के करीब ये निशान लगाएंगे। ये निशान हम इसी तरीके से लगा लेंगे जैसे हमने ये गोलाई का निशान लगाया है नेक के लिए। ये वाला निशान लगा लिया मैंने। अब हम इधर से 1/2 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से लगभग हम 1 इंच ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे और यहाँ तक हम ये 1/2 इंच वाला निशान सीधा कर लेंगे। अब हम इधर से 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान लगा लिया मैंने। अब ये वाला जो हमारा निशान है, ये वाला निशान हमारा, ये देखिए यहाँ तक हमारा नेक आएगा तो ये निशान हमारा यहीं तक रहेगा, जहाँ तक हमारा नेक रहेगा। ये देखिए यहाँ हमारा 7 इंच नेक है तो ये वाला निशान हमारा यहाँ तक आएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, कटिंग जिस तरीके से मैं बताऊँ उसी तरीके से करनी है। ये देखिए, पहले हम इसको ये बाहर की साइड से कट करेंगे, यहाँ से इधर और फिर इधर। यहाँ से हमें इसको कट नहीं करना है। ये देखिए, इधर से इधर और उसके बाद हम ये अंदर की साइड से ये कट करेंगे। ये मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये कटिंग कर लिए। अब हम इसको अंदर की साइड से कट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली है, ये हमारा पैटर्न निकल के आ गया है। ये देखिए, ये मेरा कुछ इस तरीके से आया है। अब मैं ये कपड़ा लूँगी। ये देखिए, ये मेरी बॉटम का कपड़ा है। इस कपड़े की उल्टी साइड में रखते हुए इस पैटर्न को हम पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा पेस्टिंग वाला पेपर है, इसको अच्छे से रखते हुए ये मैंने पेपर को कपड़े पर पेस्ट कर लिया है और बाहर की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। यहाँ पर कॉर्नर में हम 2 कट्स लगा लेंगे। ये कट्स हम कपड़े में लगाएंगे। ये मैंने कट लगा लिया है इधर भी और इधर भी। अब हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए या तो हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस पर। ये देखिए, इस तरीके से चारों तरफ से फोल्ड करते हुए, या फिर इसे, ये देखिए, हम ये ग्लू लेंगे, ये फैब्रिक ग्लू है, ये ग्लू लगाकर इसे पेस्ट कर लेंगे। मैं इसको ग्लू लगाकर पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये हमारा सिल्क का कपड़ा है इसलिए मैं इसको पेस्ट करूँगी अच्छी फिनिशिंग के लिए। आप भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं ग्लू लगाते हुए इसको पेस्ट कर लूँगी कपड़े को।
ये मैंने ग्लू से इसको पेस्ट कर लिया है। ये देखिए, अब हम इसको इस तरफ से रखते हुए इस पर अच्छे से एक बार प्रेस लगा लेंगे, इसको सेट कर लेंगे। ये इसको प्रेस लगाकर मैंने अच्छे से सेट कर लिया। ये इस तरीके से हमारा रेडी हो गया है। अब हम इधर से इसे फोल्ड करते हुए बीच में कट लगा लेंगे। और यहाँ नीचे की साइड से भी इसको फोल्ड करते हुए बीच में इसके निशान लगा लेंगे हम। ये देखिए, इसके बिल्कुल बीच में ये निशान लगा लिया मैंने, और इधर मैंने ये कट लगा लिया है। अब हम अपना कमीज लेंगे, कमीज को उल्टी साइड से रखेंगे। ये देखिए, ये कमीज के बीच सेंटर में भी मैंने कट लगा रखा है, और ये मैंने कमीज को, ये देखिए बिल्कुल बीच से ये मैंने कच्ची सिलाई लगा रखी है। हम दोनों कट्स को मिलाएंगे, इस पैटर्न वाले कट्स को भी और कमीज के कट्स को भी, और यहाँ से इसको बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे कमीज के। अब हम इसे यहाँ पर पिन अप कर लेंगे, इस पे पिन लगा लेंगे ताकि ये हमारा इधर उधर ना हिले। ये मैंने पिन लगा लिया है। अब हम इस पर स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, ये जो हमारा पेपर है इसके पास से हम ये स्टिच लगाएंगे, यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ तक। ये वाली स्टिच लगा ली है मैंने। अब हम अपनी ये पिन निकाल लेंगे, और अंदर के साइड का 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। यहाँ दोनों कॉर्नर में हम कट लगा लेंगे। कट लगाते टाइम हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर गोलाई में भी हम कट लगा लेंगे दोनों साइड। अब हम इस पैटर्न को कमीज की सीधी साइड में पलट लेंगे, ये हमारी कमीज की सीधी साइड में आ जाएगा। अब हम इस पर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इसके बिल्कुल ये किनारे किनारे से ही हम स्टिच लगाएंगे। ये वाली स्टिच लगा ली है मैंने। अब हम इसके किनारे से स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, इधर से भी हम इसको अटैच कर लेंगे, यहाँ पर इसके किनारे किनारे से ये स्टिच लगाते हुए। ये वाली सिलाई लगा दी है मैंने बाहर के साइड से भी। अब मैंने एक ये पट्टी ली है, ये देखिए पट्टी की लंबाई फोल्ड होने के बाद हमारी यहाँ से लेकर ये देखिए यहाँ तक, ये जो हमारा ओपन है इससे भी हमारी 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। इस पट्टी को हम दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से। इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इसको फिर बीच से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगाएंगे, इधर से भी और इधर से भी, ये दोनों साइड से हम स्टिच लगाएंगे। इसको फोल्ड करते हुए ये एक पट्टी बना लेंगे हम। दोनों साइड स्टिच लगाकर मैंने ये इस तरीके की पट्टी बना ली है।
ये देखिए इधर से ये हमारी बंद है, इस पट्टी को हम इसके नीचे रखेंगे, ये जो हमारा ओपन है ये यहाँ से ये हम 1 इंच रखेंगे, ये जो बीच का गैप है हमारा लिया। अब हम इस पर ये स्टिच लगाएंगे यहाँ किनारे किनारे से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ तक ये हमारा नेक डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पर हाथ से कढ़ाई करेंगे, इस पर फ्लावर बनाएंगे हम। इधर ये देखिए मैंने सुई में एंकर धागा डाल लिया है। अब हम इस पर कढ़ाई करके इसे डेकोरेट करेंगे, क्योंकि ये हमारा पार्टी वियर सूट है, इसको और सुंदर लुक देने के लिए हम इस पर थोड़ी सी कढ़ाई करेंगे। इसको इस तरीके से कढ़ाई वाले फ्रेम में लगा लेंगे हम। ये मैंने लगा लिया, ये फ्रेम मैंने ऑनलाइन लिया है, अगर आप भी ये लेना चाह रहे हो तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट चला हुआ है। ये देखिए अब हम यहाँ बीच सेंटर में एक फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने पट्टी से और फ्लावर से मैचिंग का ये धागा लिया है, ये एंकर धागा, इसको मैंने डबल लिया है। ये देखिए यहाँ बीच सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैं निडल निकाल रही हूँ, इसी तरीके से आप ये बना सकते हैं।
यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बीच सेंटर में मैं 3 नोट्स लगाऊंगी इस फ्लावर के बीच में। ये मैं दूसरे कलर के धागे से लगाऊंगी इसको और अच्छा लुक देने के लिए। ये देखिए फ्लावर के बीच सेंटर से हम ये निडल गुजारेंगे और ये देखिए इस तरीके से। और जहाँ से हमने ये निडल गुजारी थी वहीं से हम अब हम इसे नीचे ले जाएंगे। इस तरीके से हम ये फ्लावर बना लेंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ बना लिया है बीच में। अब मैं एक इस कॉर्नर पे बनाऊंगी, एक इस कॉर्नर पे, और इसी तरीके से हम ये पूरे नेक पर बना लेंगे। ये जो हमारी ये वाली पट्टी है इसके ऊपर पूरे नेक पर यहाँ तक, आप इसे आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी दूरी पर बनाना चाह रहे हो आप बना सकते हो। जैसे मैंने ये वाला बनाया इसी तरीके से मैं ये सारे फ्लावर बना लूंगी इधर। ये मैंने इस तरीके से इस पर हैंड से कढ़ाई कर ली है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए देखने में इसे। और ये बीच सेंटर में मैंने बटन लगा लिए हैं, आप अपने कोई भी मनपसंद बटन लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इस तरीके के बटन लगाए हैं और इस तरीके से ये नेक का कुछ लुक आया है, ये जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से हम अपने पार्टी वेयर सूट का नेक डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह मेरे डिजाइन कंप्लीट हो गया। अगर आपको डिजाइन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।